वसम गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो खासकर रहने वाली इटली के 9 मंथ वाले जिन लोगों ने पेपर भरे उन लोगों के लिए ही ये वीडियो रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, थोड़े दिन पहले इटली एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट आई थी कि 20 मार्च के बाद जितनी भी फाइल सबमिट होगी नूला अवस्था की सीजनल पेपर की, यानी कि 9 महीने वाले जो पेपर होते हैं उसकी जितनी भी फाइल सबमिट होगी 20 मई के बाद में, उसके लिए आप सब लोगों को सी स्टेक फॉर्म होता है वो मैंडेटरी चाहिए होगा। इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जब अपडेट आई थी मैंने इसके बाद एक वीडियो डाला था। वीडियो डालने के बाद ये भाई का कमेंट आया था जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये भाई जब अपनी फाइल VFS में सबमिट करवाने गया तो वहाँ जाके इसकी फाइल जो है सबमिट करने से VFS ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? क्योंकि इसके पास जो सी स्टेक फॉर्म है वो नहीं था, इसलिए एम्बेसी ने इसका या VFS ने जो इसकी फाइल है वो रिजेक्ट कर दी और उस टाइम पे सबमिट नहीं करी है। अभी क्या करना होगा, इस भाई को सी स्टेक फॉर्म लेके दोबारा से फाइल अपनी सबमिट करवानी पड़ेगी। तो जब ये अपडेट आई थी मैंने उसी टाइम वीडियो डाल दी थी, शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली थी, लॉन्ग वीडियो भी बना के डाली थी कि सी स्टेक फॉर्म क्या होता है, किस तरीके का होता है, कैसे मिलेगा, कौन देगा, वो सारी मैंने एक पीछे वीडियो डाली उसके अंदर बता दिया। आप उस वीडियो को जाके देखें तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो भी भाई अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हैं 20 मई के बाद में, हालांकि 25-26 मई हो चुकी है, अगर 20 मई के बाद आप लोग अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हो सीजनल पेपर की नूला अवस्था की, तो आप अपने साथ में जो सीस्टेक का फॉर्म वो जरूर लेके जाएं। वो फॉर्म आपको अपना एम्प्लॉयर देगा या फिर जो आप जिस एजेंट से आपने अपने पेपर भरवाए हैं वो बंदा आपको ये जो फॉर्म है सीस्टेक वो प्रोवाइड करवा के देगा, क्योंकि इसके बिना जो आपकी फाइल है वो सबमिट नहीं होगी। अगर आप जाओगे तो आपको व्यर्थ में आने जाने का पैसा भी लगेगा, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी वेस्ट लग जाएगी, और भी अगर आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंसिस होते हैं वो लग जाएंगे बिना मतलब के। तो ये फॉर्म आप अपने साथ में जरूर लेके जाएं, फिर ही अपनी जो फाइल है वो सबमिट करवाएं। बेसिक फॉर्म होता है, कुछ नहीं होता है, इसके अंदर 6-7 पेज का बेसिक फॉर्म होता है ना, वो मैंने पीछे वाली वीडियो बता दिया है, उसको जाके आप देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एट दी एंड यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी गलती ना करें ताकि आपको अपने टाइम वेस्ट हो, पैसा वेस्ट हो, है ना, और आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा और लंबा खींच जाए इसकी वजह से। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर एम्बेसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग लेके जाओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। जल्दी मैं एक डॉक्यूमेंट की वीडियो भी डाल दूंगा कि डॉक्यूमेंट आप चेकलिस्ट क्या है, करंट में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको सीजनल पेपर सबमिट करवाना है। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट आपके रह जाते हैं, चाहे वो किसी भी जगह रिलेटेड, किसी भी कंट्री के रिलेटेड है, तो आप लोग उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जरूर हेल्प करूँगा, या फिर आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।